सकते हैं सिर्फ अपोजिशन की तरफ से? अगर सामूहिक हिंसा के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है, तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना, आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं। बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं, अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है, तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर, मणिपुर में आप लोग कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं और क्या उम्मीद करते हैं? हम सारी कम्युनिटीज, माइतीज हों, कुकीज हों, जो हों, नागा हों, हर समुदाय की पीड़ा को सुनने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, छोटा सा उद्देश्य है, इसमें और कोई निहितार्थ नहीं है। क्या करेंगे? अगर सिक्योरिटी के आड़ में रोकने की कोशिश होंगे तो मान लेंगे, फिर भी जहां तक संभव होगा लोगों से मिलेंगे। अगर नरसंहार वाली परिस्थिति होगी ना, जिसको जीनोसाइड बोलते हैं, अगर वो परिस्थितियां होंगी तो हर जगह जाएंगे। देखिए, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहाँ तक लाएंगे। लेकिन सर, आप जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने अपना एक डेलीगेशन भेजा, बैक फाइंडिंग टीम बनाई, आप लोग लगातार, इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी विजिट नहीं करने, आपको लगता है कि आज आप लोग, क्योंकि इतने तमाम दल के नेता जा रहे हैं, तो आपको एक मौका दिया जाएगा वहां लोगों से संवाद करने का? हम उम्मीद करते हैं वहां की जो प्रशासन है वो एक सकारात्मक दिशा में इस बात को लेगा, जो हमारी पहल है। वहां मलहम लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लोगों को गले लगाने के लिए वहां हम जा रहे हैं और उनकी समस्या बढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बात को समझे। जहां तक तुलना की जाती है, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि डाइवर्ट किया जाए मामला, अभी तक संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। और राजस्थान, बंगाल, जहां जहां मतलब उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों का जिक्र करके वो चाहती है कि देश का ध्यान मणिपुर से हट जाए, जबकि मणिपुर की घटनाएं उन सबसे अलग हैं। संवैधानिक संकट वहां खड़ा हो गया, भीड़ के हाथों वहां हत्याएं हुई हैं, रेप हुए हैं, घर जला दिए गए हैं, गांव उजाड़ दिए गए हैं, लोग कैंपों में बिता रहे हैं, हजारों लोग वहां पे होंगे, हम उनके बीच जाना चाहते हैं।